सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ज्योति कुमारी और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ श्री चैतन्य सिविल्स बैच राजमंड्री से। और इस वीडियो में मैं सभी को ये कुछ जानकारी दूंगी उपभोक्ता दिवस के बारे में, यानी कि नेशनल कंज्यूमर्स डे के बारे में। आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नाप तौल इत्यादि संकटों से घिरा है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बने हैं। इसके फलस्वरूप ग्राहक आज सरकार पर निर्भर हो गया है। जो लोग गैरकानूनी काम करते हैं, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले, मिलावटखोर इत्यादि को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ग्राहक चूंकि संगठित नहीं है, इसलिए हर जगह ठगा जाता है। ग्राहक आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। ग्राहक को जागना होगा, वह स्वयं का संरक्षण भी करना होगा। विश्व उपभोक्ता दिवस से अलग भारत में भी उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के नाम से इस दिन को मनाया जाता है, ताकि उपभोक्ताओं के हक और अधिकारों को सुरक्षा देने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जा सके। तो आइए अब जानते हैं उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में। और पहला है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं के अधिकारों में सबसे पहले आता है सुरक्षा का अधिकार, जिसका मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए गुणवत्ता चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जैसे ISI, एगमार्क इत्यादि। ये चिन्ह किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देते हैं। और दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार, जिसका मतलब है कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की मात्रा, गुणवत्ता, शक्ति, शुद्धता, स्तर और मूल्य के बारे में जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। विक्रेता इससे इनकार नहीं कर सकता है। और तीसरा है चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार यानी उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी पदार्थ के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो और उसके बाद अपने विवेक से उसे चुन सके। यानी उपभोक्ता को पूरी छूट है कि वो वही खरीदे जो वो खरीदना चाहता है। और चौथा है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार, जिसका मतलब है कि अगर उपभोक्ता को किसी भी उत्पाद या पदार्थ से परेशानी है, तो उसकी बातों को ध्यान से सुना जाए। और पांचवा है विवाद सुलझाने का अधिकार। विवाद सुलझाने का अधिकार भी उत्पादों उपभोक्ता को प्राप्त है, जिसका मतलब होता है उपभोक्ता की शिकायतों का उचित निपटारा जल्द से जल्द हो। और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी हर जानकारी अर्जित कर सकता है, ताकि शोषण से बच सके। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।